एचआईवी एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने व इसके बचाव को लेकर चिकित्सा स्कूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में CHMO KK सोनी के साथ ही तमाम चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने HIV मदर से बच्चे को होने वाले एड्स की रोकथाम को लेकर चर्चा की और इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। KK सोनी ने बताया कि HIV एड्स के प्रति लोग जागरूक हो, इसके लिए डॉक्टर्स की टीम समय समय पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर लोगों को जागृत करती है और किस तरह से इसकी रोकथाम हो सकती है और क्या बचाव किए जाने चाहिए इसकी जानकारी दी जाती है। एड्स प्रिवेंशन जो हमारा प्रोग्राम है उसके तहत हमने आज चौथा बैच का आरम्भ किया था, जिसके अंदर हमारी डिस्पेंसरीज के स्टाफ, हमारे काउंसलर्स और हमारे जो NGO आती हैं जो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए काम कर रहे हैं, सिफिलिस प्रिवेंशन हो चाहे HIV का प्रिवेंशन हो, उसके लिए आज परामर्श के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या हमारे पास साधन साधन उपलब्ध हैं और कैसे हम इसको मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आज हमारे जयपुर से भी साथी बता रहे हैं, उन्होंने भी दी है। साथ ही हमारे जो HIV एड्स के जो हमारे काउंसलर्स और जो हमारे स्टाफ हैं, इन सब ने अपने अपने जो विषय के अंदर जो एक्सपर्टाइजेशन है उसको उन्होंने इनको शेयर किया है। मेन मकसद यही है कि HIV एड्स को हम प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे मैक्सिमम बढ़ा सकें और इसकी रोकथाम के लिए जो व्यापक प्रचार प्रसार या व्यापक हम जो कार्रवाई कर सकते हैं वो की जाए।